जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। तो यार रियलमी जीटी नियो 5 लॉन्च हो चुका है और आप पक्का सोच रहे होंगे कि ये स्मार्टफोन कब तक इंडिया में आ सकता है, इसका प्राइस क्या हो सकता है और आएगा भी कि नहीं आएगा। चलो सब बताता हूँ। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। यहाँ पर आपको 6.74 इंच का एक 1.5 की रेजोल्यूशन वाला ओलेड डिस्प्ले मिल जाएगा। 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है और 1400 नीट्स का आपको मिल जाएगा पीक ब्राइटनेस, मतलब कि डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है। और यहाँ पर आपको ओलेड पैनल मिलता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि फ्लैट डिस्प्ले कवचर दिया नहीं हम लोगों को, लेकिन एक ब्रांड इसका फायदा जरूर उठाया, मैं आगे बताऊंगा आपको। यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन मिल जाएगा। 451 का PPI है, PPI भी अच्छा खासा है, मतलब कि डिस्प्ले काफ़ी क्लियर और क्रिस्प एक्सपीरियंस देगा, चिप्स की तरह, चिप्स की याद आ गई वैसे। और यहाँ पर आपको 1500 हर्ट्स का TSR मिल जाता है, टच सैंपलिंग रेट, मतलब कि स्मार्टफोन बहुत ही फास्ट वर्क करेगा। और अभी बात खत्म नहीं होता है, यहाँ पर आपको 2160 हर्ट्स का PWM DC डेमिंग भी मिल जाता है। तो डिस्प्ले काफ़ी बवाल स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है, बेजललेस डिस्प्ले है, नॉर्मल से पंचोल के साथ है। देखो यार डिस्प्ले में आपको कोई भी कमी देखने को तो मिल नहीं रहा है, आप चाहे गेमिंग कर लो, चाहे आप कंटेंट कंज्यूमिंग कर लो, या फिर आप डे टू डे लाइफ में फोन को यूज़ करोगे, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा। और बैटरी और चार्जिंग को लेकर तो आपको दिक्कतों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा कि आप सोच रहे हो इतने सारे अच्छे डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन दे रहा है तो बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, ऑब्वियसली बातें होगा, लेकिन उसका भी रियल में ख्याल रखा है, आगे बताऊंगा। इन शॉर्ट डिस्प्ले एकदम बवाल है, ब्राइटनेस से भरा हुआ है, कलरफुल भी है और सब कुछ अच्छा ही है। और अगर मैं आपको बताऊं कि कर्व डिस्प्ले की बात मैं क्यों किया, क्योंकि भाई अगर आपको नहीं पता है तो OnePlus 11R और Realme GT Neo 5 काफ़ी सिमिलर फोन्स हैं, और OnePlus 11R में एडवांटेज ये मिल जाता है कि वो कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, उसके भी सारे स्पेसिफिकेशन बहुत हद तक Realme GT Neo 5 से मैच कर जाते हैं। खैर कैमरास के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो यार कैमरास Realme Neo सीरीज के स्मार्टफोन्स के अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ हम लोगों को इनोवेटिव देखने को नहीं मिलता है। इस बार भी अच्छे तो हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन फॉलो कर रहा है Realme। जो प्राइमरी कैमरा है वो एकदम दमदार रहेगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, सोनी IMX890 के कैमरा सेंसर के साथ जो नया नवेला है, एकदम बवाल आपको फोटोज दे देगा। जो सेकेंडरी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का आपको मिल जाएगा मैक्रो, नहीं मिलेगा माइक्रोस्कोप मिल जाएगा, माइक्रोस्कोप चाहे मैक्रो जो कहना है कह लो, बात लगभग सेम है। 16 का सेल्फी मिल जाएगा सोनी IMX471 कैमरा सेंसर के साथ। तो कैमरास तो अच्छे हैं, लेकिन अगर Realme चाहता थोड़े से एफर्ट्स अगर लगाता तो टेलीफोटो लेंस देकर दिल खुश कर सकता था, क्योंकि 50-8-2 यही सेम कैमरा कॉम्बिनेशन हम लोगों को Realme के और भी न्यू सीरीज के फोन में मिल जाते हैं। हाँ यहाँ पर नया कैमरा सेंसर है 50 मेगापिक्सल का, लेकिन कुछ तो नया करो, जैसे कि अच्छा सेल्फी दे दो। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, इस बार Realme बहुत ही अच्छा अपग्रेड किया है। यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 8+Gen1 मिल जाएगा, 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड है और एडिनो 730 का GB मिल जाएगा। इन शॉर्ट अगर कहूँ तो एकदम बहुत ही अच्छा आपका गेमिंग एक्सपीरियंस रहेगा और स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा। जितना भी हैवी काम करना है कर लो, जितने मजे करना चाहते हो कर लो, सभी चीज़ों पर ईजिली ये स्मार्टफोन वर्क करेगा। मेन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं और आपको एक सीक्रेट भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है जो ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल वर्जन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि Realme इतना खर्चा किया कैसे, करता तो है नहीं फिंगरप्रिंट स्कैनर के ऊपर। देखो यार सीन ये है ना, Realme, Oppo, OnePlus ये एक ही कह सकते हो कि फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको तो पता ही होगा। तो ये जब भी फोन्स लॉन्च करते हैं ना, इनके कुछ फोन्स आपस में बहुत ही सिमिलर मैच करते हैं, जैसे कि OnePlus 11R को पकड़ लो, Oppo Reno 9 Pro Plus को पकड़ लो और Realme GT Neo 5 को पकड़ लो। तो हार्डवेयर बहुत हद तक आपको लिटरली सेम दिखाई देंगे, बस माइनर माइनसेस चेंजेस कर देंगे, कैमरास में डिफरेंसेस कर देंगे, लो भैया नया फोन तैयार। तो भैया अगर आपको नहीं पता है तो ये जो क्वालिटी निकल के आया है ना, ये Oppo Reno 9 Pro Plus की वजह से आया है, वो भी आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देगा ऑप्टिकल वाला। और आप लोगों को यकीन नहीं होगा, OnePlus 11R में भी यही सेम फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलेगा, तो Realme GT Neo 5 में क्यों नहीं मिलेगा। तो हार्डवेयर कुछ हद तक सेम रहता है। खैर बहुत ही हो गया डिटेक्टिव गिरी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको UFS 3.1 का स्टोरेज सपोर्ट मिल जाएगा LPDDR5X RAM टाइप के साथ, जो काफ़ी अमेजिंग बात है। 4600 mAh बैटरी मिलेगा, 240 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ। अब ये मैं हिंदी में इसलिए बोला क्योंकि बोलने में बहुत अच्छा लगता है यार। और अगर आगे आपको एक और मैं डिफरेंसेस बताऊं तो ये तो हो गया 240 वॉट वाला वर्जन। एक और वर्जन है 5000 mAh बैटरी के साथ, जिसमें आपको 150 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। दो वर्जन क्रिएट किया है, मैं अगर होता तो मैं 150 वॉट वाले को लेता है, क्योंकि अपने लिए वो भी बहुत ज़्यादा है। इतने तेज़ी से वॉट बढ़ते हुए जा रहे हैं ना यार, क्या बताऊँ मैं। 250 वॉट का चार्जर,
वैसे आप बता ना आपको कौन सा वर्जन अच्छा लगा। आगे बात करें तो यहाँ पर आपको NFC भी मिल जाएगा, Wi-Fi 6 भी मिल जाएगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलेगा, लेटेस्ट है, और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन लाइट भी मिल जाएगा जो तीन कलर में दिखाई देगा, लाल है, हरा है और एक मेरे को याद नहीं है, शायद होगा पर्पल या ब्लू, ठीक से याद नहीं है, लेकिन आपको नोटिफिकेशन लाइट मिल जाता है जिसमें आप बैटरी के परसेंटेज को देख सकते हो, रात में फ्लैश लाइट की तरह इसको यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारे उसके काम है। बेसिकली बस है तो है, चमचमाता हुआ चीज़ है, वैसे भी नथिंग की वजह से तो सभी ब्रांड्स फोकस कर रहे हैं आजकल लाइट्स के ऊपर। वैसे आप बताओ आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही हाई लेवल का एडवांस VC लिक्विड कूलिंग मिल जाएगा जो स्मार्टफोन को बहुत ही तेज़ी से ठंडा कर देगा, और यहाँ पर आपको 4D वाइब्रेशंस भी देखने को मिल जाएंगे, तो काफ़ी अच्छे अच्छे हम लोगों को गेमिंग फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। गेमर्स के लिए ये स्मार्टफोन काफ़ी वैसे अच्छा है, बहुत ही अच्छी खासी गेमिंग भी करवा देगा आपको, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे ISRs और TSRs हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, और VCL भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, और 4D वाइब्रेशंस भी है। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें तो यह स्मार्टफोन 8.9 mm की थिकनेस के साथ है, 199 ग्राम्स इसका वेट है। स्मार्टफोन की बात कर लें तो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, आजकल तो ट्रेंड चल रहा है बहुत ही बड़े कैमरा हाउसिंग का, तो उसको ये अच्छे तरीके से फॉलो करता है, लेकिन कैमरा हाउसिंग का डिज़ाइन काफ़ी ऑर्डिनरी सा है, बहुत सारे ब्रांड्स इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ नया देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है, बस कलर्स और जो कैमरा हाउसिंग का स्टाइल है वो थोड़ा सा नया कर दिया गया है, लेकिन अगर आप कवर चढ़ा दोगे तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये वीवो का फ़ोन है कि रियलमी का फ़ोन है कि ओप्पो का फ़ोन है कि OnePlus का फ़ोन है कि किसका फ़ोन है, समझ गए ना। लेकिन ये जितना ऑर्डिनरी है उतना नहीं है ये, इसका मतलब ये नहीं कि डिज़ाइन अच्छा नहीं है, डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, ये तो हम लोग हैं जो आपको माइनस पॉइंट्स बताते हैं कि भाई देखो ऐसी ऐसी बात है, कंपनी और क्रिएटिव कर सकती थी, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, अगर मैं एक नॉर्मल इंसान के नज़रिए से कहूँ तो स्मार्टफोन का डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है, बवाल है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन लाइट भी मिल जाता है, और फ़ोन चिल्ला के कह रहा है कि 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ हूँ मैं, तो फ़ोन अच्छा दिखता है, एक नॉर्मल इंसान बहुत ही खुशी इसको खरीद लेगा अगर देखेगा तो, भाई दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे पर्पल कलर काफ़ी अच्छा लगा। और डे टू लिव लिखना बंद करो यार, बहुत ही अटपटा सा लगता है, बहुत ज़्यादा हम लोगों को लिखावट देखने को मिल जाता है रियलमी के फ़ोन्स में। आगे से देखोगे तो बेजललेस डिस्प्ले देखने में फ़ोन अच्छा लगता है, आजकल के जैसे मॉडर्न फ़ोन दिखाई देते हैं वैसे ही दिखाई दे रहा है, लेकिन पंचोल थोड़ा सा छोटा हो सकता था। बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें तो ग्लास बैक भी आपको देखने को मिलेगा इसका, और रूमर्स तो उठे थे कि प्लास्टिक वाले वर्जन्स भी देखने को मिलेंगे पैसा बचाने के चक्कर में, लेकिन कोई ना, प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिल जाएगा, और आगे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन है, और कोई भी IP18 देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि सब लोग तो कह रहे हैं कि पानी वानी की छींटों से बच सकता है ये स्मार्टफोन, P2i कोटिंग के साथ आता है, लेकिन वो तो प्लास्टिक बैग में मिलता है ना, ग्लास पैक में कैसे मिलेगा, शायद प्लास्टिक और ग्लास का मिक्सचर करके ग्लास को बनाए हो, लेकिन फ़ोन अच्छा है डिज़ाइन और बिल्ड वाइज। प्राइसिंग की बात कर लें, जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ये स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च हो गया है, दो वर्जन्स की प्राइसेस हैं, पहला जो है वो 240 वॉट वाला वर्जन है, उसके प्राइसेस शुरू होते हैं 16 GB रैम प्लस 256 GB स्टोरेज से 38,900 रुपये, यानी कि 40,000 रुपीज़, फिर 16 GB रैम प्लस 1 TB वाला स्टोरेज 42,600 रुपीज़, 42,600 रुपये, और जो नॉर्मल है 150 वॉट वाला वो 8 to 56 से शुरू होता है 31,700 रुपये, 31,700 रुपीज़, फिर इसके बाद जाता है 12 to 56 34,100 रुपये, 34,100 रुपीज़, फिर इसके बाद 16 GB रैम प्लस 256 GB स्टोरेज 36,500 रुपये, 36,500 रुपीज़। तो प्राइसेस तो काफ़ी बवाल है, आपके क्या रिएक्शन हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं कि ये स्मार्टफोन इंडिया में कब तक लॉन्च हो सकता है, इसका क्या प्राइस हो सकता है, हम लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो यारो, ये स्मार्टफोन आपको दिखाई देगा जुलाई के आसपास तक, स्टार्टिंग में तो अभी फ्रेश रूमर्स तो यही आ रहे हैं, लेकिन लॉन्च बहुत ही जल्द इसको रियलमी कर देगा। इसका नाम भी चेंज हो सकता है इंडियन मार्केट में, Realme GT 3 के नाम से लॉन्च हो सकता है, वैसे किसी भी नाम से लॉन्च हो जाएगा ये। इस स्मार्टफोन का प्राइस आपको दिखाई देगा 43,000 रुपीज़ से लेके 40,000 रुपीज़ के आसपास, 40-43,000 रुपये के आसपास होगा, किस्मत अच्छी रही तो थोड़ा सा कम भी कर सकता है। अब कम इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि OnePlus 11R से ये भिड़ने के लिए आएगा। अगर आपको नहीं पता है तो पिछली बार भी यही हुआ था, Realme GT Neo 3 और OnePlus 10R का आपस में कॉम्पिटिशन हुआ था, और हम सब लोग जानते हैं Realme GT Neo 3 को रीब्रांड मार के OnePlus 10R बना के OnePlus रिलीज किया था। इस बार भी कुछ ऐसी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली। अगर आप OnePlus 11R को Realme GT Neo 5 से कंपेयर करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सिमिलर दिखाई देंगी, लेकिन इस बार ही OnePlus थोड़ा सा एफर्ट्स लगाया, कर्व डिस्प्ले दे दिया, डिजाइंस पे भी बहुत सारे चेंजेस किया है, स्मार्टफोन नहीं लग रहा है रीब्रांडेड वर्जन है, लेकिन हार्डवेयर लेवल पे देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको कॉपी पेस्ट दिखाई देंगी। लेकिन अगर मैं आपके जगह होता तो मैं Realme GT Neo 5 का वेट नहीं करता, मैं OnePlus 11R की तरफ भाग जाता, क्योंकि OnePlus 11R एक बहुत ही अच्छा डील दिखाई दे रहा है मेरे को। लेकिन फिर भी अगर आप नोटिफिकेशन लाइट के चक्कर में हो और Realme के फोन को खरीदना चाहते हो तो इसके लिए रुक सकते हो, इसका प्राइस आपको वही 40-42-43 के आसपास दिखाई देगा।
लेकिन वन प्लस 11R एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। अगर इसके बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और साइड के बेल आइकन को दबा के वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आया तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.